हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लाइन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिजिक्स वाला का मॉड्यूल। तो मैं पहले फिजिक्स का आपको शेयर कर देती हूँ। इस मॉड्यूल में तीन पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, और इन दोनों पार्ट में जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग तो पहले से ही कर ली थी, अब जस्ट मैं रिव्यू दे रही हूँ इसका। तो पहले हम पार्ट ए को देखते हैं। इसमें मैं आपको एक दो चैप्टर से दिखाऊंगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है फोर्थ क्लास ट्वेल्थ के लिए, एंड दिस इज पार्ट वन। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये रहा कंटेंट। इस पार्ट ए में सात चैप्टर है आपके पास। उसके बाद चैप्टर वन जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, मतलब इस चैप्टर से नीट में एक जीरो से एक क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि कॉलम्स लो, गॉस लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल पे आते हैं। ओके, यहाँ पे ग्राफ भी दिखा रखा है कि कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो ये यहाँ पे है आपकी थ्योरी, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और बीच बीच में ट्रेन योर ब्रेन जैसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है आपके पास की नोट्स एंड वेल एक्सप्लेन डायग्राम एंड वेल एक्सप्लेन। इसमें आपके पास वेल एक्सप्लेन डायग्राम और उनकी डेरिवेशन, की पॉइंट सब कुछ दे रखा है। तो आप इसे बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। ये देखिए, ट्रेन योर ब्रेन, की नोट्स। अब यहाँ पे आ गया आपके पास इलस्ट्रेशन। इसमें क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चन के साथ उसके सॉल्यूशंस भी हैं इलस्ट्रेशन में, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके पास। यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे कि कॉलम्स लो, कॉलम्स लो के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस के इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के लिए और बेसिक से प्रिपरेशन के लिए अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो जस्ट गो फॉर इट। फिर यहाँ पे है लर्निंग प्लस, मल्टी कॉन्सेप्ट एम सी क्यूज, नीट पास 10 ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं भी लेंगे, अगर उसकी बुक नहीं भी लेंगे, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट ए। पार्ट बी भी ऐसा ही है। मैं आपको जस्ट इसके कंटेंट दिखा देती हूँ। इसमें आठ चैप्टर्स दे रखे, मतलब इसमें बाकी के चैप्टर्स दे रखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक, ऑप्टिक ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम। बाकी सब सेम है। उसके बाद इसमें बहुत ही अच्छे से एकदम डिस्क्राइब करके इलेबोरेटेड सॉल्यूशन भी दे रखा है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों का। ये देखिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट के। इसमें वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन दे रखा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको और इसके जो बायो और केमिस्ट्री के जो बुक्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू।